किरण चौधरी जी उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला तो नाराजगी उनकी कई बार जगजाहिर हो चुकी है। हम सिर्फ डिजर्विंग को देखते हैं और इस तरह से कोई जात पात का बीच में कोई कंसर्न नहीं आता, कोई गुट नहीं है। कांग्रेस में नेता एक है, पार्टी एक है। क्या अभी भी आप लोगों के दिल नहीं मिले हैं, सिर्फ पार्टी का फैसला था? हरियाणा के अंदर ही कांग्रेस की एक लहर चली हुई है, 100% दसों की दसों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार कह रहे हैं कि आपका प्रभाव सिर्फ महेंद्रगढ़ सीट तक है। उनके कहने से क्या होता है, क्या रोष है? नारायणवीर का भयंकर रोष है, हजारों करोड़ का करप्शन का चार्ज है। आपने सफाई तो दी कई दफा, लेकिन सफाई नहीं, मेरे को सफाई देने की जरूरत नहीं। हरियाणा के चुनावी रण में हम उतरे हुए जनता का मूड भांपने के साथ साथ हम दिग्गजों से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि उनका चुनावी रण में उतरना और उसके बाद चुनावी माहौल क्या है। राव दानसिंह जी हमारे साथ हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से, इस बार कांग्रेस ने उन पर दांव खेला है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़। धन्यवाद। दशकों बाद एक नए चेहरे पर बंसीलाल परिवार से दूर कांग्रेस ने दांव खेला है, अभी तक की डगर कैसी लग रही है आपको? बहुत सुहानी और बहुत अच्छी, बड़ी उत्साहवर्धक और बड़ी उत्तेजना के साथ। इस बार कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग बहुत बखूबी की है, ऐसा हम लोगों को नजर आ रहा है। इस सीट पर जहां दो बड़े चेहरे, जो जाट चेहरे थे, उनके बीच मुकाबला होता था, कहीं न कहीं कांग्रेस को इस वजह से पीछे रहना पड़ता था। इस बार आपको टिकट दिया है, वैसा माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल माहौल नजर आ रहा है। कांग्रेस कभी जात पात पर नहीं बात करती, हमारा नारा यही है, जात पर न पात पर मोर लगेगी हाथ पर। तो वो जो इंजीनियरिंग की बात आती है, हम सिर्फ डिजर्विंग को देखते हैं और इस तरह से कोई जात पात का बीच में कोई कंसर्न नहीं आता, लेकिन ये देखते हैं कि कौन उम्मीदवार अच्छे मतों से जीत सकता है, उस पर खेल खेला जाता है। लेकिन किरण चौधरी जी उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला तो नाराजगी उनकी कई बार जगजाहिर हो चुकी है, और पहले दिन जब टिकट अनाउंस हुई थी, कार्यकर्ताओं के बीच बैठक करने पहुंची तो बहुत दहाड़ी थी, कहा था कि जितना समर्थन आपकी तरफ से मिला था उतना समर्थन कर देंगे। हमने तो पूरा समर्थन दिया था, इसमें कोई दोहराई नहीं, उनको खुद को पता है, उनसे दिल से पूछना है कि तुम्हारा समर्थन किया था या नहीं किया था। और मुझे नहीं लगता कोई, वो भी समर्थन में है, कोई आदमी कांग्रेस का आज हमारे विपक्ष में नहीं है, सब लोग अपने काम पर जुटे हैं। आपने भीड़ देखी होगी, चाहे एक्सर्विस मैन हो, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, 36 बिरादरी के भाई मिलकर के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर हरियाणा में ही, न केवल भिवानी महेंद्रगढ़, हरियाणा के अंदर ही कांग्रेस की एक लहर चली हुई है, 100% दसों की दसों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन एसआरके गुट, खुद किरण चौधरी उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही, क्या अभी भी आप लोगों के दिल नहीं मिले हैं? सिर्फ पार्टी का फैसला था तो उसको स्वीकार करके वो अपने अपने घर बैठ के, यहाँ की बजाय सिरसा में ज्यादा एक्टिव है। मैं बताता हूँ, कोई गुट नहीं है, कांग्रेस में नेता एक है, पार्टी एक है। जहाँ तक बात आई कि मिलने की, बात करने की, कोई आदमी जिसे स्टार प्रचारक होते हैं उनको भी ये कहा जाता है कि आप यहाँ जाइए ताकि आपके प्रभाव का, आपके रिश्तों का कहीं फायदा पार्टी को हो सकता है। तो हर व्यक्ति अपने रिश्ते के हिसाब से जा रहा, वो भी चले गए, पहले जब मैंने 2 दिन उद्घाटन किया था 2 दिन साथ थे हमारे। बीजेपी के उम्मीदवार कह रहे हैं कि आपका प्रभाव सिर्फ महेंद्रगढ़ सीट तक है। उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से थोड़ी चल रहा, ये तो लोगों से कहने चले, वो तो कह देंगे, कुछ भी कह दे। बीजेपी तो सबको डब्बे में बंद करना चाहती है, सब डब्बे में बंद थोड़ी हो जाएंगे, ये तो सबको पता है कि किसका प्रभाव कहाँ है। ये जनता है, ये सब जानती है और इसको पता है सब। और जनता ने जहाँ देख लिया ये लड़ चुनाव, ये की बार जनता वर्सेज भारतीय जनता पार्टी है, और जिधर जनता होगी पलड़ा वहीं झुकेगा, और पलड़ा जनता का आज कांग्रेस के साथ। अहीर रेजिमेंट का मुद्दा, अग्निवीर मुद्दा, ये दो बड़े मुद्दे हैं इस इलाके के, किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं लोगों के बीच, इसको लेकर क्या क्या रोष है? अग्निवीर का भयंकर रोष है, हमारे नौजवानों में इतनी नाराजगी है। हमारे घर से एक किसान होता था, एक जवान होता था, लेकिन अब फौज को आपने कच्ची फौज में तब्दील कर दिया, तो इसलिए उनमें निराशा है। और रहा जहां तक अहीर रेजिमेंट का, देखिए एक सम्मान है, जाट रेजिमेंट में अहीर, जाट, गुजर, राजपूत कोई भी हो सकता है, राजपूत रेजिमेंट में अहीर, जाट, गुजर कोई भी हो सकता है। अहीर रेजिमेंट एक यहाँ पर शोल्डर के ऊपर लगा हुआ एक तगमा है, जिससे एक पहचान रहती है कि ये भी समाज ऐसा जिन्हें देश की जंग आजादी से उसके बाद एकता रखना अपनी भूमिका निभाई, दैट शोल्ड उसमें नथिंग पॉलिटिकल, नथिंग कास्ट, नथिंग देयर, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव। करप्शन के आरोप भी लगे, खुद किरण चौधरी ने कहा कि किस तरह से भगोड़े हैं बच्चे और हजारों करोड़ का करप्शन का चार्ज है। आपने सफाई तो दी कई दफा, लेकिन सफाई नहीं, मेरे को सफाई देने की जरूरत नहीं, कोई बात हो तो न्यायालय अपना काम करता है, मुझे कहते कोई भगोड़ा नहीं है, यही है ना, सारे दिन कन्वेंसिंग यही करते हैं,
ये जो कहने के बाद छोटी बातें करने के, मैं जाता नहीं किसी की छोटी बातों के ऊपर, लेकिन उनको ही पता होना चाहिए कानून अपना काम कर करेगा, खुले दिल से करेगा। 10 में से कितनी सीटें कांग्रेस, 10 में से कांग्रेस कितनी सीटें? 10 की 10। रावदान सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो रावदान सिंह जी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से, इनका कहना कि 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस को मिलेगी, कांग्रेस की लहर है। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा के लिए मेरे सहयोगी सरमप्रीत सिंह के साथ मैं स्टेश नैन मोड चरखी दादरी।